सिख समाज के पांचवे गुरु रहे अर्जन देव जी का 415वां शहादत दिवस टुडला के गुरुद्वारे में मनाया गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया और भंडारे के वितरण के तौर पर खाने के पैकेट जरूरतमंदों को और गुरुद्वारे में आए लोगों को वितरण किए गए। इस दौरान SDM टुडला बुशरा बानो मौजूद रही। टुडला के स्टेशन रोड पर टुडला चौराहे पर शरबत का वितरण भी किया गया। सुबह सुबह गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया और शब्द कीर्तन का आयोजन भी किया गया। सिख समाज के पांचवें गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस गुरुद्वारे में सिख समाज के लोगों द्वारा सादगी से मनाई गई। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेश कुमार शर्मा, अभी न्यूज चैनल। गुरुद्वारे के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है और क्या कहना चाहते हैं आप? आज यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिख सभा टुंडला में सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनकी महान 415वां शहीदी दिवस मनाया गया है, जो कि 30 मई 1606 को लाहौर में जागीर बादशाह के शासनकाल में शहादत हुई थी। और शहादत का कारण ये था कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की थी, तो उन्होंने कहा भी हमारे भी हजरत मोहम्मद साहब की तारीफ इसमें लिखी जाए, गुरु साहब ने मना कर दिया। और उस वक़्त में गुरु नानक साहब से लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक उन 200-250 सालों में गुरु नानक की सिक्खी का इतना प्रचार हो गया था कि इस्लाम धर्म भी खतरे में आ गया था। बहुत सारे मुसलमान सूफी संत फकीर वो भी गुरु नानक साहब के धर्म में आ गए थे और गुरु अर्जन देव जी का सत्कार करते थे, उनकी संगत करते थे, तो ये भी एक कारण था। और गुरु अर्जन देव जी के सपुत्र हरगोविंद साहब का रिश्ता जो जागीर बादशाह का दीवान था चंदू, उसकी लड़की से हो गया, जिसका उसने बुरा मनाया और बहुत बोल कबोल बोले, वो भी एक कारण बना। कुछ कारणों की वजह से गुरु अर्जन देव जी को वहाँ बुलाया गया लाहौर, और उनसे जो बात कही गई तो उन्होंने सच की खातर, धर्म की खातर और मानवता के लिए और गुरु ग्रंथ साहब की पवित्रता को कायम रखते हुए उन्होंने कहा शहीद होना प्रमाण है। तो उनको एक इस्लाम धर्म में यासा तरीका होता है, यासा, उसके तहत सजा दी गई, जिसमें जिसको शहीद किया जाना है उसका खून की एक बूंद ज़मीन पर ना गिरे। इसलिए उन्हें पहले देग में उबाला गया, फिर सच्ची छवी पर बिठाया गया, ऊपर से गर्म उबलता हुआ रेता डाला गया, और आखिर में और ज़्यादा कष्ट देने के लिए उनको रावी दरिया में बहा के शहीद कर दिया गया। तो आज सारे संसार में सिख कौम गुरु अर्जन महाराज को याद करती है, अपनी श्रद्धा भेंट करती है और उनको नमन करती है, उनकी महान शहादत को कोटि कोट नमन करते हैं। इसलिए हर जगह ठंडे पानी की शरबत, क्योंकि गर्मी का समय है और गुरु साहब इतनी गर्मी में तत्ती तभी पे बैठ के भी इतनी उन्होंने ठंड रखी कि आज जगह जगह ठंडे शरबत बांटे जाते हैं, तो इसलिए गुरु साहब को याद किया जाता है। मानवता के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किए, मानवता की सेवा के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।